कोरोना काल की वजह से लंबे समय से स्कूल कॉलेज बंद चल रहे थे, आज उत्तर प्रदेश में स्कूलों को भी खोला गया है। आपको बता दें कि प्रबंधक द्वारा बताया गया कि स्कूल में बच्चों को अनुमति लेटर, सैनिटाइजर और मास्क के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर भी संभावित है, तीसरी लहर से बच्चों को भी खतरा हो सकता है, इसीलिए उनके लिए सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। क्या कुछ कहना है स्कूल प्रबंधक का और क्या कुछ कहते हैं बच्चे? आपका नाम? मेरा नाम ममता शर्मा है। मैम, आज से स्कूल खुल रहे हैं जी, क्या व्यवस्था स्कूल प्रबंधकों द्वारा की गई है, कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, आज से जैसे 9, 10, 11, 12 के स्कूल ओपन हुए हैं, तो मेरे यहाँ पे 9, 10 की क्लासेस लगती हैं, तो प्रॉपर हमने जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उसको हमने फॉलो किया है। सबसे फर्स्ट जो हमने प्रायोरिटी रखी है वो ये रखी है कि हमने सभी बच्चों को स्कूल के अंदर जो एंट्री कराई है वो हमने सैनिटाइजर के साथ में कराई है, सैनिटाइजर कराया है बच्चों को। इवन यहाँ तक कि हमने सभी बच्चों की थर्मल स्कैनिंग कराई है, एंड जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पे आए हैं सभी को हमने कंसर्न लेटर के बाद ही एंटर किया है। कंसर्न लेटर मीन्स ये होता है कि जैसे अनुमति पत्र, यानी इस तरीके से हमने बच्चों से पेरेंट्स के हाथ का लिखा हुआ अनुमति पत्र बच्चों से आज मंगाया था, वो लेने के बाद ही हमने बच्चों को स्कूल के अंदर एंटर किया। आपका नाम? सर, नीना शर्मा। आज बहुत दिनों बाद आज स्कूल खुले हैं और आप आज आए हो स्कूल में, कैसा फील कर रहे हो? सर, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास तो चली रही थी बहुत अच्छे समझ में आ रहा था, पर ऑफलाइन क्लासेस में जब आए हैं सारे फ्रेंड्स साथ में मिले हुए हैं और अच्छे से पढ़ाई हो रही है। तो कोई कोरोना को लेके कोई ऐसा कोई मन में डर है किसी बात का? नो सर, अभी तो नहीं है। वैसे साइंस मतलब सब कुछ तो चेक हो रहा है ऑनलाइन, मतलब स्कूल आते हैं सब कुछ, तो वैसे कोरोना अच्छा लग रहा है। हाँ।